लोगों ने पूछा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का काम कब चलेगा और जो समूह में और NRLM का काम कब चलेगा, इनसे संबंधित लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं समूह की महिलाओं से संबंधित। और आप लोगों के पिछले वीडियोस में जो कमेंट के आंसर हम नहीं दे पाए थे, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, चाहे आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए देखते हैं। आप सभी का कोई और भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंटेटरों ने पूछा हुआ है कि देना चाहिए मानदेय, इसमें अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष को लेकर के बातें मैंने वीडियो में बताई थी, उसी को लेकर लोगों ने कमेंट किया। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। इन्होंने बोला कहाँ से आप लोग हैं, हमारे यहाँ रामपुर में जल सखी की ट्रेनिंग अभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बस्ती से रामपुर मेडिकल कॉलेज। तो देखिए, आपके यहाँ रामपुर में नहीं हुई है ट्रेनिंग, तो आप अपने ब्लॉक में इसके लिए पता करिए ना। अब इसके बारे में हम डिटेल से कैसे बता सकते हैं कि आपके यहाँ क्यों नहीं हुई, उसका कारण मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का कारण हम नहीं बता सकते ना, वो आपको अपने ब्लॉक से पता करना पड़ेगा, तो ब्लॉक से पता करिए। और इन्होंने पूछा हुआ कि ड्राई राशन का पैसा कब आएगा दोबारा। फिलहाल अभी तो नहीं आया है और अभी ब्लॉक के सारे कार्य बंद है, NRLM का धरना प्रदर्शन चल रहा है, समूह का भी धरना चल रहा है, इस वजह से अभी पैसा नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो आपको बताया जाएगा। इन्होंने बोला है वैक्सीनेशन और सहायक के बारे में बताएं। तो मुझे आपका क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा कम आया है, प्लीज़ दोबारा से कमेंट करिएगा वैक्सीनेशन और सहायक के बारे में। और इन्होंने बोला हुआ है कि जलसा की स्वयं सहायता समूह कितने साल की नौकरी है, कितना पेमेंट है, आजीवन के लिए है या कुछ समय के लिए। पहली बात तो आप लोग जो कमेंट करते हैं सही तो कमेंट लिखते नहीं है, पहली बात स्पेलिंग मिस्टेक रहती है, तो इंसान कैसे समझेगा कि आपका क्या क्वेश्चन है। फिलहाल जो भी समझ में आया मुझे, शायद आप जल सखी के बारे में पूछना चाह रही हैं, तो सरकार ने अभी कोई भी ऐसा डेट फिक्स नहीं किया है। पहली बात तो संविदा पर ये नौकरी है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं है जल सखी की। और जो मानदेय है इसमें आपको 6,000 रुपये दिए जाएगा महीने का, जो मेन जल सखी बनेगी, जो पानी की टंकी बनेगी, और उसके बाद उसका जो बिल का वसूली करेगी, पानी की बिल का वसूली जो करेगी, जल कर की वसूली वो जल सखी करेगी, उसे 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया संविदा पर है समूह में नौकरी, ठीक है। इन्होंने बोला नमस्ते दीदी, हमारे पास सज्जी है लेकिन सेविंग कर रही हैं, बैंक में अकाउंट है, कोई काम करना चाहती हैं, कहाँ से जानकारी लें? तो आपको ब्लॉक से ही जानकारी मिलेगी ना, इसके लिए आप अपने ब्लॉक से बात करिए अपने BMM से, ठीक है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल सब धरने पर चल रहे हैं, फ़िलहाल जाकर के मिल लीजिए एक बार। और इन्होंने बुलाया हुआ है कि प्रगति प्रेरणा महिला ग्राम संगठन भगवानपुर और विकासखंड डिस्ट्रिक्ट जालौन UP। ओके, इन्होंने बोला है नमस्ते, जानकारी के लिए धन्यवाद, महिला मेट के लिए धन्यवाद, महिला मेट हंसना बानो और माधेरपुर मियागंज ब्लॉक कन्नौज UP। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फॉर्म कब से भरा जाएगा जल मिशन का, इन्होंने बोला हुआ है जल जीवन मिशन के तहत जो भर्तियां होने वाली है उसमें इन्होंने कमेंट किया है। तो हम आपको बता दें, इसमें जो है आपके जो ग्राम प्रधान है उनसे बात करिए, और इसमें कोई आवेदन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी लिस्ट जाएगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपका काम होगा, वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। अपने ग्राम प्रधान से बात करिए, इसके बाद अपने ब्लॉक में भी बात कर सकते हैं, पहले ग्राम प्रधान से इसके बारे में संपर्क करें। कोई इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा रहा है। इन्होंने बोला हुआ है कि सरोज और मैम आंगनबाड़ी 10 बच्चों को बांटकर पूरा राशन बेच देती हैं, समूह को बोलती हैं बेचें या बांटें समूह का। अच्छा, तो इसके लिए आप शिकायत पत्र दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए अपने जो आपके यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, सुपरवाइज़र है आंगनबाड़ी की,
उन्हें ले जा कर के एक एप्लीकेशन आप इसके बारे में दीजिए, ठीक है। और एक अपने उनको अपने BMM को भी दे दीजिएगा एप्लीकेशन, और एक अपने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को भी दे सकती हैं। VPRP CRP का काम कब शुरू होगा? अभी कोई काम नहीं शुरू होने वाला है, जब तक मैंने आपको बताया था कि मांगें स्वीकार नहीं की जाती हैं NRLM के कर्मचारियों की और सबों की, तब तक मांगें अभी फ़िलहाल पूरी नहीं की गई हैं, इस वजह से अभी कोई काम नहीं होने वाला है, तो इंतज़ार करिए। हरदोई ज़िले में कब होगा एक बार? तो देखिए, ये योजना अभी सभी ज़िलों में नहीं शुरू हुई है, अब कब होगा जब आएगा तो आपको बताया जाएगा, फ़िलहाल अभी कोई भी जानकारी नहीं आई है, नई अपडेट। इन्होंने बोला हुआ है कि क्या इंडिया मार्कनल ही जांच करना है? अच्छा, इंडिया मार्कनल ही जांच करना है। मुझे आपका कमेंट जो है कब समझ में आया, फिलहाल के लिए जो गांव में आपके ग्राम पंचायतों में जो भी नल की सुविधा होगी उसी का आपको जांच करना है, बाकी दोबारा से कमेंट करिएगा अगर मैंने सही जवाब न दिया हो तो, और मुझे आपका कमेंट थोड़ा कम समझ में आया। और इन्होंने बोला हुआ है कि समूह जब बन गए हैं, लेन देन हो रही है, समय पर बचत जमा कर रहे हैं, तो सरकार को भी कुछ महीने के पैसे देने चाहिए ताकि समूह चलाने में और मदद हो जाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि समूह में सरकार ने ऑलरेडी फंड दिए हुए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, प्रत्येक समूह को फंड दिए जाते हैं, रिवॉल्विंग फंड हो गया, स्टार्टअप फंड हो गया, CCL हो गया, सब फंड समूह को दिए जाते हैं, और अपना कोई ना कोई रोजगार शुरू करने के लिए, या फिर आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप पैसे ले सकती हैं, उन पैसों से अपना काम कर सकती है। और बाकी अगर आप पूछना चाह रही हैं अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की, तो फिलहाल अभी तो सरकार ने कोई नियम लागू नहीं किया है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। बाकी इनका कमेंट आया हुआ है, समूह सखी का मानदेय 15,000 होना चाहिए और मेट का काम को भी देखने का जिम्मेदारी होना चाहिए, और ग्राम प्रधान कोई गलत काम ना कर पाए, इसलिए जितने जिम्मेदारी ग्राम प्रधान का होता है उतना जिम्मेदारी समूह सखी भी होना चाहिए। देखिए, सब कुछ समूह सखी के मुताबिक नहीं हो सकता है, मानते हैं समूह सखी को 15,000 मानदेय मिल सकता है, लेकिन मेट का काम उन्हें नहीं मिल सकता है किसी कीमत पर, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि ज़रूर देना चाहिए, तो इन सभी लोगों ने कमेंट किया था अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के मानदेय को लेकर के, मैंने वीडियो बनाया था उस पर, सभी ने बोला है राइट है मैम, मानदेय देना चाहिए, हाँ। और इन्होंने बोला हुआ है कि मैम बैंक सखी को 3,000 रुपये मिलता है, इतना कम है कि बैंक सखी को क्या बचेगा, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है,